कभी रात में अचानक आंख खुल जाए, सो गए आप 12 बजे 3 बजे आपकी आंख खुल गई, इस्तिंजा ही की हाजत समझ लीजिए आप उसके लिए उठे। तो जब कभी ऐसा मौका आ जाए ना और उठ गए हो आप रात में, तो 2 रकात पढ़ लिया कीजिए वजू का, फिर सो जाओ। एक बहुत बड़े सूफी ने कहा, सारे बंदे सोए हैं, तुझे किसी बहाने से तेरे रब ने जगा दिया। किसी बहाने से जगा दिया। ये आदतें बनाओ, ये सोच बनाओ, ये फिक्र बनाओ, तब जाकर दुनिया और आखिरत में सुकून नसीब होगा, इत्मीनान की दौलत नसीब होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला जलालहु की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक व तुफैल मुझे और आपको सबको अल्लाह की याद, अल्लाह की महब्बत में अपनी जिंदगी को के लम्हात को गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए, और परवरदिगार जल्ला जलालहु अपनी याद का चिराग हमारे सीने में रोशन फरमा दे, महब्बत का चिराग रोशन फरमा दे, और हमें अपनी याद में जीने मरने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।